आज हम स्टूडियो में वापस आ चुके हैं। कुछ तकनीकी खामियों के चलते हल्का सा व्यवधान आया था, इसलिए आपको सेटअप थोड़ा बदला बदला दिख रहा होगा, मगर अब सब ठीक है। हमारे यहाँ तो दोस्तों गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, लेकिन मध्य एशिया के एक देश में उल्टा हो रहा है। इस देश का नाम है कजाकिस्तान। यहाँ नए साल की शुरुआत में ही हालात बिगड़ने लगे हैं। जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। प्रोटेस्ट के चलते पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा है। कई शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। बुनियादी मांगे मान लिए जाने के बाद भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारी अब बड़ा निशाना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ा निशाना क्या है? कजाकिस्तान की पूरी कहानी क्या है? हालिया प्रोटेस्ट को अपवाद क्यों कहा जा रहा है? और इससे कजाकिस्तान में क्या कुछ बदल जाएगा? सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आज की कहानी सुनाने से पहले इतिहास समझ लेते हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत का नाम तो आपने सुना होगा, वही प्रांत जहां उइगर मुसलमानों के नरसंहार की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। कजाकिस्तान की पूर्वी सीमा शिनजियांग से सटी हुई है। उत्तर की तरफ रूस है। कजाकिस्तान का एक समय चीन और रूसी साम्राज्य का हिस्सा रह चुका है। इस वजह से दोनों देश समय समय पर कजाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाने की बात करते रहते हैं। इस इलाके से चीन का पहला संपर्क दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। 8वीं सदी में अरब आक्रमणकारी अपने साथ इस्लाम धर्म लेकर आए। 13वीं सदी की शुरुआत में मंगोलों का कहर चरम पर था। चंगेज खां की सेना समूचे मध्य एशिया पर कब्जा कर चुकी थी। इस लहर की चपेट में कजाकिस्तान भी आया। 8वीं सदी में आए अरबी कबीलों और 13वीं सदी के मंगोलों के मिश्रण से एक नई जाति ने आकार लिया। इन्हें कजाक कहा गया। 15वीं सदी में कजाक सल्तनत की स्थापना हुई। उसके बाद से वे अपना शासन अलग चलाने लगे। कुछ समय बाद कजाक 3 अलग अलग कबीलों में बट गए। फिर उन्हें मंगोलों से खतरा लगा। उन्होंने सोचा कि मंगोलों की बर्बरता से बचना है तो किसी शक्तिशाली का दामन थाम लो। उन्होंने रूस से मदद मांगी। रूस ने कहा, इट्स ओके, अब तुम हमारे भाई हुए। इस तरह कजाकिस्तान रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। रूसी साम्राज्य कोई दूध का दूल्हा तो था नहीं, उसने भी कजाकिस्तान का इस्तेमाल गुलाम की तरह किया। इससे नाराज कजाक कबीलों ने रूसी जारशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रूस ने विद्रोह को कुचल दिया। कबीले के सुल्तानों को गद्दी से उतार कर अपना गवर्नर बिठा दिया। रूस अब कजाकिस्तान में जो चाहे कर सकता था। उसने हजारों की संख्या में रूसी और यूक्रेनी किसानों को कजाकिस्तान में बसने के लिए भेजा। ये प्रोसेस 1916 तक चला। फिर 25 जून 1916 की तारीख आई। इस दिन जार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ। इसके तहत रूसी साम्राज्य के अधीन वाले इलाकों के युवाओं को फौज में काम करना अनिवार्य कर दिया गया। इस आदेश से पहले तक गैर रूसी लोगों को छूट मिली हुई थी। 1916 तक पहला विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। इसमें रूस भी लड़ रहा था। उसे जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी वजह से वो नए लोगों को भर्ती करने की फिराक में था। इसलिए गैर रूसी लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया था, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने विरोध किया। रूस ने दमन का रास्ता चुना। इस नरसंहार में 2 से 3 लाख लोग मारे गए। लाखों लोग भागकर चीन और अफगानिस्तान आ गए। आज भी उनके वंशज इन देशों में रहते हैं। मध्य एशिया में रूस प्रायोजित नरसंहार चल ही रहा था कि क्रांति हो गई। रूस में बोल्शेविकों ने जारशाही का अंत कर दिया। नई बोल्शेविक सरकार युद्ध के पक्ष में नहीं थी। नवंबर 1917 में लेनिन ने शांति समझौते पर दस्तखत किया। इस तरह रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपना नाम वापस ले लिया। रूस के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था। वहां सब अस्त व्यस्त चल रहा था। कजाक नेताओं ने इसका फायदा उठाने का प्लान बनाया। उन्होंने रूस से आजादी का ऐलान कर दिया। यह आजादी लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी। 2 साल बाद ही लेनिन की रेड आर्मी ने धावा बोल दिया। कजाक नेताओं ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद कजाकिस्तान को सोवियत संघ में शामिल कर लिया गया। जब तक सोवियत संघ का शासन चला, तब तक कजाकिस्तान उनकी प्रयोगशाला बना रहा। उसने इसकी भारी कीमत भी चुकाई। 1924 में जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का नया शासक बना। वो सामूहिक खेती वाला सिस्टम लेकर आया। किसान खेतिहर मजदूर बनकर रह गए। स्टालिन की यह योजना बुरी तरह फेल हुई। कजाकिस्तान में 10 लाख से अधिक लोग भुखमरी के कारण मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की रेस शुरू हुई। सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कजाकिस्तान में किया। सोवियत संघ का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भी कजाकिस्तान से ही लॉन्च हुआ था। मार्च 1953 में स्टालिन की मौत हो गई। निकिता ख्रुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के सेक्रेटरी बने। उन्होंने वर्जिन लैंड्स कैंपेन शुरू किया।
क्रुश्चेव सोवियत संघ में फसल की उपज बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए खेती लायक जमीन की दरकार थी। कजाकिस्तान में जमीन पर्याप्त थी, कमी थी तो किसानों की। तब 20 लाख रूसी किसानों को कजाकिस्तान में बसाया गया। क्रुश्चेव का अभियान सफल रहा या नहीं, इसको लेकर अलग बहस चलती है, लेकिन बसाहट से हुआ ये कि मूल कजाक अल्पसंख्यक हो गए। ये देखकर सोवियत संघ ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। 1985 में मिखाइल गोर्बचोव सोवियत संघ की गद्दी पर बैठे। उन्होंने गेनेडी कोल्बिन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कजाकिस्तान यानी CPK का मुखिया बना दिया। कोल्बिन रूसी मूल के थे, कजाक इससे नाराज हो गए। उन्होंने अल्माटी में भयानक प्रोटेस्ट किया। कोल्बिन कभी आराम से शासन नहीं चला पाए। 1989 आते आते सोवियत संघ की नियति तय हो चुकी थी। सोवियत संघ अफगानिस्तान से हार कर लौट रहा था। संघ में शामिल देशों में अलग होने की होड़ मची हुई थी। ऐसे ही दौर में नूर सुल्तान नजरबायेव CPK के नए मुखिया बनते हैं। दिसंबर 1991 में राष्ट्रपति चुनावों की घोषणा होती है। नजरबायेव निर्विरोध चुनाव जीत लेते हैं। इसी के साथ कजाकिस्तान सोवियत संघ से आजाद हो जाता है। कजाकिस्तान सोवियत संघ से तो आजाद हो गया था, लेकिन अपनी नियति से नहीं। नजरबायेव के शासन में कजाकिस्तान ने खूब पैसे कमाए, तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा, तेल का निर्यात शुरू हुआ। समझ लीजिए कि तरक्की की बारिश हो रही थी, लेकिन इस बारिश पर हक कुछ ही लोगों का रहा। ये लोग नजरबायेव के करीबी हैं। आम जनता की किस्मत वैसी की वैसी ही रही, कुएं से निकलने के बाद वे खाई में गिर पड़े थे। नजरबायेव ने विपक्ष को पिंजरे में बंद कर रखा था, विरोध की इजाजत नहीं थी, मीडिया पर सरकार का नियंत्रण रहा, चुनावों में जमकर धांधली की गई। नजरबायेव ने आजीवन सत्ता में रहने के लिए संविधान तक बदल दिया। कजाकिस्तान की नई पीढ़ी ने नजरबायेव के अलावा किसी को देखा ही नहीं था। फिर मार्च 2019 में एक अचंभा हुआ। नजरबायेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं नई पीढ़ी के नेताओं को मौका देना चाहता हूं। हालांकि इस्तीफा देने के बावजूद नजरबायेव ने सत्ता पर से नियंत्रण नहीं छोड़ा था, वो लीडर ऑफ द नेशन बने रहे। उन्होंने अपनी जगह पर एक कठपुतली राष्ट्रपति नियुक्त किया, कासिम जोमार्त तोकायेव। उससे पहले तक तोकायेव संसद के ऊपरी सदन में स्पीकर के तौर पर काम कर रहे थे। कजाकिस्तान में भले ही सत्ता बदली थी, लेकिन शक्ति नजरबायेव के पास कायम रही। तोकायेव उन्हीं के इशारे पर चलते रहे। अब मुख्य सवाल, आज हम आपको कजाकिस्तान की कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल कजाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को सरकार ने LPG की कीमतों पर लगा कैप हटा दिया। इसके बाद गैस के दाम अचानक से बढ़ने लगे। कजाकिस्तान में 70% से अधिक गाड़ियां LPG पर चलती हैं। प्रोटेस्ट सबसे पहले जेनेजेन प्रांत में शुरू हुआ। इसी जगह पर 2011 में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस समय तेल कंपनी में काम करने वाले मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए थे। पुलिस ने उस बार प्रदर्शन को कुचल दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस घटना में 16 मजदूर पुलिस की गोली का शिकार बने थे। स्वतंत्र रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि यह संख्या कई गुना अधिक थी। पिछली बार का प्रोटेस्ट तो दबा दिया गया था, लेकिन इस बार लोग पीछे हटने के मूड में नहीं लग रहे हैं। प्रोटेस्ट के बीच राष्ट्रपति तोकायेव ने राजधानी नूर सुल्तान समेत 3 शहरों में आपातकाल लगा दिया है। कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अल्माटी और मेंगिस्ताऊ में 2 हफ्तों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आपातकाल के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। बिना इजाजत लोग कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंधित रहेंगे। 4 जनवरी की रात तक तोकायेव इस बात पर कायम थे कि सरकार कायम रहेगी, किसी का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन 5 की सुबह होते होते खबर आई कि राष्ट्रपति ने पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। प्रधानमंत्री असकार मोमीन ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। नए कैबिनेट के गठन तक उप प्रधानमंत्री को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तोकायेव ने प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, नौजवान घर लौट जाएं, अपना और अपने चाहने वालों का जीवन बर्बाद न होने दें, किसी भी तरह के विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि परंपरा रही है, तोकायेव ने भी प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बाहरी ताकतों की साजिश है। तोकायेव का लहजा सलाह से ज्यादा धमकी से भरा था, लेकिन लोग इस बार उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वे अब नजरबायेव को हटाने की मांग करने लगे हैं। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी नजरबायेव सरकार के कामकाज पे दखल देते रहते हैं। वो कजाकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया बने हुए हैं। उन्हें कानूनी कार्रवाई से भी छूट मिली हुई है। सरकार के इस्तीफे और आपातकाल के ऐलान के बावजूद बहुत कुछ बदलता नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों पर कब्जा करने लगे हैं। कई जगहों पर आगजनी की खबर भी आई है।
धीरे धीरे प्रोटेस्ट की आंच कजाकिस्तान के सुदूरी इलाकों में भी पहुंचने लगी है। 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया है। जो कुछ वीडियोज और तस्वीरें बाहर आ पा रही हैं, उसमें हालात बेहद गंभीर दिख रहे हैं। कजाकिस्तान में रैली आयोजित करने के लिए पहले से इजाजत लेनी होती है, लेकिन इस बार स्थिति पलटी हुई है। लोग सरकारी आदेश के बावजूद पीछे नहीं हट रहे हैं। गैस की कीमतों में वृद्धि तो तात्कालिक वजह है, लोगों का गुस्सा दशकों से जमा हो रहा था, अब घड़ा भर चुका है। भले ही इस प्रोटेस्ट से कजाकिस्तान में तानाशाही को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इसने बहरी सरकार को जोरदार तमाचा तो जरूर जड़ा है। नजरबायेव को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन मिला हुआ है। इस मामले में रूस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन उसने कहा है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कजाकिस्तान में आगे जो कुछ होगा उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप बने रहें ललित टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।